దేశంలో నిరుద్యోగం పెరిగిపోయిందన్నారు రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే. రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా మోదీ సర్కార్పై ఫైర్ అయ్యారు. ప్రభుత్వ సంస్థల్ని కేంద్రం నిర్వీర్యం చేస్తోందని ఆరోపించారు. దేశంలో ఎక్కువ మంది ఉన్న దళితులు బీసీలకు ప్రధాని మోదీ చేసిందేం లేదన్నారు ఖర్గే. आज ओबीसी के बच्चों के लिए 27% जो रिजर्वेशन है वो उनको मिलना है, वो नहीं मिलना, और क्योंकि कोई कारण लगा के वो घट जाते हैं. एससी एसटी के भी ऐसे ही होते हैं, और पहले से ये मानसिकता है कि समाज में मैं ये मोदी जी आए इसलिए ऐसा हुआ ये नहीं बोलता हूँ कि ये समाज की एक मानसिकता है. स्किल डेवलपमेंट ग्रेजुएट्स सर 222 में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बेरोजगारी 13.4% और फीमेल ग्रेजुएट्स उनकी संख्या वो 20.6% हो जाती है. अगर एजेंसियों के आंकड़े देखें तो स्थिति और भी खतरनाक है. यह है बेरोजगारी के कारण लोग लिखे पढ़े रहे तो भी युवाओं को आज नौकरी नहीं मिल रही. एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है. इसके तरफ आप ध्यान देना चाहिए था. उसमें क्या है बताइए, उसके विषय में कुछ नहीं. अब युवाओं को तो आप आकर्षित करते हो अपने भाषणों से, पेट भूखा है उसका, बेरोजगारी है, वो क्या सुनेगा. तो ये बेरोजगारी के लिए आपने क्या किया, ये हमारा सवाल है. लेकिन उसमें कोई जिक्र नहीं है. उसमें पब्लिक सेक्टर्स भी आप खत्म कर रहे हैं. पब्लिक सेक्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर रिजर्व क्लास. वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हो, हम एक पब्लिक सेक्टर्स हो एक के बाद एक खत्म कर रहे हैं. उससे नौकरियां भी खत्म हो रही. सरकार में कम से कम सब मिला के मैं बोलता हूं, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय के हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हो, ये सभी मिलाए तो एडेड इंस्टीट्यूशंस प्लस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आज नियरली 30 लाख वैकेंसीज हैं. तो आप 10-12 हजार को रिक्रूट करते हैं और उसका एप्लीकेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ से दिलाते हैं. वो तो रूटीन कोर्स है, कोई अंडर सेक्रेटरी भी दे सकता है, डिप्टी सेक्रेटरी. लेकिन 2-4 बार देखा मैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ से दे रहे नौकरियां देना है तो एक बार इसकी मुहिम करो, 30 लाख लोगों को भर्ती करो, जितना चाहे उतना सर्टिफिकेट बांटो.